इसमें पकड़ाया मछली। चलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद सुनान नदी में क्या हालचाल है, तो छोटा सा वीडियो बनाता हूँ मैं। और हम लोग पूरा राउंड मार के आए, मतलब इस तरफ आए हैं, ये वाला राम मंदिर देख सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पुल है पूरा डूबा है। तो हल्का हल्का पानी ऊपर में चल रहा है, थोड़ा सा पास जाके आपको दिखाते हैं पानी। छोटा सा वीडियो बनेगा 2-3 मिनट का, मतलब यही बताना था। सुनाद नदी बहुत दिन बाद उफान आ, मतलब उफान नहीं बोलना चाहिए, बाढ़ नहीं, इस साल बाढ़ नहीं है एक्चुअली, तो मैं अपडेट देना ऐसे टाइप का बना दिया। तो आपको बस वही दिखाते हैं, नदी के पास हल्का सा जाके इधर उधर मछली वछली पकड़ने वाले लोग आए हैं। उस पार से तो बहुत लोग आए हैं मतलब देखने के लिए, तो इस पार क्या हालचाल है क्या है। चलो चलते हैं थोड़ा पास में, और यहाँ पे सब नहाते वहाते यहाँ तक पानी भर गया है, और उधर वहाँ पे गाड़ी रखे हैं, गाड़ी लेते टाइम वहाँ पे को दिखाऊंगा मैं, गाड़ी लाने जाएंगे तो। इधर से खुद खुद ही चलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा पानी के पास, कैसे लग रहा है नज़ारा। तो टाइट कई चकाचक है, साइकिल वाले लोग पार कर रहे हैं धीरे धीरे, हमारा गाँव जाने वाले लोग साइकिल वाले लोग पार कर रहे हैं। एक नंबर लग रहे हैं पानी के पास, उधर देख सकते हो, जूम करके दिखाते हैं मोबाइल में उधर। अरे यार यहीं से साला काई एकदम जमीन में चालू हो गए। हाँ यहाँ पे काई है तो देख के आना पड़ेगा, स्लिप होगा बोले, लगातार पानी चल रहा है तो चप्पल में। अबे चप्पल उतार देता हूँ, रुक जा, यहीं रही थोका भैया, बहुत दिन हो गए ना, पानी कमी नहीं हो है। नहीं चालू हो, बाकी नाकत दे खाली रही। हाँ हाँ 2-3 दिन हुआ है बोल रहे हैं, चल चलते हैं, चप्पल को उतार दिया, वो बोला भूरा भूरा निशान है उसी में चलना बोल रहा है। लगातार पानी चल रहा है, उसे जाना तो रिस्की है, पर अच्छा लग रहा है, ऐसे बोलूंगा नहीं मतलब आप लोग आना ऐसे करके, पर अच्छा लग रहा है। भैया बोल रहे हैं 2 दिन से चल रहा है अभी पानी, बीच में मतलब कम हो गया था तो चालू हो गया था। महमरा वाले लोग एक्चुअली इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, अभी लोग क्या टाइम पास कर रहे नहीं पता। नाम है गाइस मेरा। अच्छा नाम लिख रहे हो, समझ भी तो आ नहीं रहे तो बखना नहीं। अच्छा उधर भी एक टन लिखा है, अबे फिसल ज्यादा मत जा, हाथ को पकड़ उसका हाथ को, नाम लिखा जा रहा है। अच्छा इंटरव्यू है उसका भी लेते हैं, ये मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे पास में, उसका भी इंटरव्यू लेते हैं, कितना मछली पकड़ा है, चल तो पूछेंगे कितना मछली पड़ा, जानकारी लेते हैं। रख दे चप्पल को, एक काई में साइकिल वगैरह चला के निशान बना है, कैमरा में एक्चुअली नजर नहीं आ रहा था तो मैं मोबाइल में बना लिया। और भैया पूछते कितना तो मछली पकड़ा है, क्या हाल चाल है क्या है, तो ऐसे पैर जमा जमा के चलना पड़ रहा है, घुसा घुसा पैर को। इतना में काई साफ किया गया है, शायद वहाँ तक कोई चल के गया होगा जो भैया मछली पकड़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे जाने का, ऐसे जाना तो नहीं चाहिए, पर मेरा पैर जमा है तो मेरे को पता है डर तो लगा। अरे उसका काम ही है रोज का, कहाँ डर लगेगा है? नहीं पकड़ा है कौन, नहीं आ रहा। अभी थोड़ा पानी कम हुआ, बीच में बहुत ज़्यादा पानी, वहाँ पे लेवल ज़्यादा है, और लोग रिस्क लेके पार कर रहे हैं, गाँव जाते हैं उन लोगों के बहुत दूर पड़ता है साइकिल वाइकिल पैदल जाने के लिए, धीरे धीरे आ जा रहे। भैया बोले चप्पल उतार के बीच से चले जाओ, वहाँ पे निशान निशान बन रहे तो आपको दिखा दिया, यहाँ पे मछली पकड़ रहे भैया, देखते हैं स्टाइल, कई मछली फेंका जा रहे हैं। इसमें पकड़ा है मछली भैया के पास, दिखाते हैं आपको एक हाथ, ये दिखाई दे रही, बनेज बड़ा पकड़ा है। यहाँ पे बीच में आए हैं, बीच में कचरा सकला गया है यहाँ पे, मतलब जो जो आता पानी तो इसे रस्सी में बांधे, इसको अजीब अच्छा लग रहा है। अब इधर यदि यहाँ पे ना निशान नहीं है तो वहाँ पास में जाना खतरा है, वहाँ पे भैया लोग मछली पकड़े लोग निशान बनाए थे तो बन गया था काम, पूरा पानी का आवाज आ रहा है। और वेदर एकदम कॉन्स्टेंट वेदर है, ना धूप निकला है ना पानी गिर रहा है ना कुछ नहीं, एकदम धूप निकल सकता है या पानी गिर सकता है, पानी वाली पीते हैं। मछली पकड़ रहे हैं, उन लोगों को दिखाना था, बस इतना ही था वीडियो में, और आगे और कुछ दिखाते नहीं तो खत्म करते हैं वीडियो, जो भी है चल रहे हैं बस धीरे धीरे।